बनाएंगे हम पालक मशरूम। इसके लिए हमने पालक काट के धो के रख लिया है, यह रहा मशरूम। एक हमने बारीक प्याज काट के रख लिया है, ये टमाटर का पेस्ट, अदरक लहसुन। सबसे पहले हम पालक को उबालेंगे। पालक हमारा बॉईल हो रहा है, हमने एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें हम तेल डालेंगे। 2 चम्मच के लगभग हम तेल डालेंगे। और इसी के साथ 2 तेजपात हम डाल देंगे और ये रहा दालचीनी, जावित्री और ये 2 लौंग, 1 छोटी इलायची। और इसी के साथ हम बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। पालक हमारा बॉईल हो चुका है, इसको पानी से निकाल के एक मिक्सी जार में डालेंगे। हमने मिक्सी जार में डाल दिया, अब इसे ग्राइंड करेंगे, अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। और हमारा प्याज भी सब तक गोल्डन ब्राउन हो रहा है। हमारे मसाले, ये थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। प्याज हमारा हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे ये सारे मसाले। सारे मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसी के साथ हम डालेंगे टमाटर को। अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे। 4-5 हमने लहसुन पहले ले ली थी और थोड़ा सा ही अदरक का हमने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। और मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि उसमें कच्चे पानी खुशबू दे रहा होगा। मसाले हमारे अच्छे से भून रहे हैं, तेल सारे बाहर आ गए। अब इसी साथ इसमें मशरूम डालेंगे, मशरूम को डाल के अच्छे से भूनेंगे। नमक हमने डाल दिया है कि हमारा मशरूम भी अच्छे से भून गया, इसलिए तेल बाहर आ रहा है, सारे तेल बाहर आ गए। तब तक हम मशरूम और मसाला बना भूनेंगे। हमारा मशरूम अच्छे से भून चुका है और इसमें पालक का पेस्ट डालेंगे। सारे पालक एक साथ डाल देंगे, इनको भी अच्छे से भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक हमारा तेल बाहर ना आ जाए। हमारा मशरूम अच्छे से बॉईल हो रहा है, इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसमें सारे तेल बाहर ना आ जाए। अब हमारा पालक मशरूम रेडी हो जाएगा। हमारे पालक मशरूम में देखिए कितना खूबसूरत कलर आया, इसको अच्छे से हम और भूनेंगे। हमारा पालक मशरूम रेडी हो चुका है, हमने गैस बंद कर दिया, प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। पालक मशरूम हमारा रेडी हो चुका है, प्लेटिंग भी हो चुका है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।